अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड विद सब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिनट के टू मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशाँ मदी का जहाँ पे 12 घंटे मुकम्मल होने को हैं और मार्केट जो है वो बुरी तरह सक दिखाई दे रही है लेकिन इस बीच हमें सिर्फ वर्ल्ड कप फीफा टू टू से जुड़े टोकन के अंदर एक चंद सेंट की ट्रेड देखने को मिल रही है जो पूरे कभी मार्केट के टोकन में देखने को मिलती थी लेकिन इस वक्त मार्केट के फियर फैक्टर की वजह से हमें वो सिर्फ इस वक्त ट्रेंड के मुताबिक उन टोकन में 10 से 15 सेंट का अपडेट देखने को मिल रहा है यानी कि वही 20-25 सेंट प्लस भी हो रहे हैं और माइनस भी वो दोस्तों कौन से टोकन है जो इस मार्केट में हमें फ़ायदा दे सकते हैं उस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सरमाए की शक्ल में दो बिलियन डॉलर का इजाफा और दो बिलियन डॉलर की कमी हो रही है जस्ट आल्ट कॉइन की शक्ल में और बी और इथीनियम ये पिछले तीन साल की बैडस्ट परफॉर्मेंस पे दोस्तों मार्केट इस वक्त आज खड़ी है और बी के प्राइस में फिफ्टी फाइव डॉलर और इथीनियम के प्राइस में पाँच डॉलर की जस्ट ओनली फाइव डॉलर की सपोर्ट एंड दस्त दस बनती रही इससे ज़्यादा नहीं सो so गैस यहाँ पर टाइम तेज़ी से गुजर रहा है और लेवल्स जो हैं वो मार्केट के स्टक का ज़्यादा मुजाहरा कर रहे हैं बी एन बी में वन पॉइंट सिक्सटी सेंट की ट्रेड रही इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं और गाय जिसकी जो सपोर्ट एंड एंडस्टेस होगी अभी की मार्केट के लिए वो स्टिल कोई ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं होगी उसमें वो है दोस्तों टू सिक्सटी टू 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 एटी टू इसी के दरमियान ये मार्केट में हमें ट्रेड दे सकता है गाइस जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स आर पी और कार्डानो इस बदतरीन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी अपनी पोजीशन क्लियर करने में कामयाब हुए हैं और उसके बाद मैट्रिक जो सुबह 85 सेंट तक जा चुका था दोबारा से इसमें दो सेंट का इजाफा हुआ है मतलब कि एक बहुत नॉर्मल इनकम आपको यहाँ पर गेम कर गेन करने को मिली है सो so गाइज अगर अब यहाँ पर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना ने अपनी 15 सेंट मजीद यहाँ पर पोजीशन डाउन कर दी थी आज के दिन लेकिन उसमें से 10 सेंट की फिलहाल रिकवरी हो चुकी है एल का दोस्तों सेम बिहेवियर रहा वन एंड टू डॉलर के दरमियान ट्रेड का और स्वैप बिल्कुल भी यहाँ पर मूवमेंट करता दिखाई नहीं दिया गैर यहाँ पर सरमाकारी मार्केट में ना होने के बल्कि बल्कि मैं ये कहूँगा कि हो ही नहीं रही मार्केट में सरमाकारी जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आर्ट कॉइन भी बहुत ज़्यादा सुखड़े हुए हैं चेन लिंक में दस सेंट की ट्रेड हो गई है दोस्तों जो हम रूटीन में कई गुना ज़्यादा इससे बेहतर गेन कर रहे थे और अगर हम बात करें यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड टोकन की दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सी एच डेड की सी एच डेड जो कल तक ट्वेंटी सेवन सेंट का हाई लगा चुका था गाइस ये आज तकरीबन अपनी पोजीशन मुसलसल खो रहा है तो आप इसे करीब ट्वेंटी थ्री नाइन्टी पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और ये फीफा से दोस्तों डायरेक्ट कनेक्टेड है और मैं यहाँ पर एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और आप चाहता हूँ कि आप भी उसे फॉलो करें मैंने आपको दोस्तों फ़ीफा से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की थी करीब तीन दिन पहले उनमें से आठ टोकन में तीन टोकन ऐसे हैं जो हमें बार बार पच्चीस से तीस सेंट की ट्रेड देते हैं और एक यहाँ पर दो टोकन है लाजियो मैं उसके पेज पर पे अभी आपको लेकर चलता हूँ काज वो हमें लगातार चार दिन कैसे ट्रेड देता रहा उसके ऊपर हम बात करेंगे तो बढ़ते हैं लाजियो की तरफ सो so गायज़ ये फैन टोकन है आपके सामने ठीक है ये मैंने ओपन किया है और ये भी जब मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड टोकन की तो उसमें ये मेरा टॉप कॉइन था गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाजियो एट डॉलर से एट पॉइंट फिफ्टी की हमें यहाँ पर ट्रेड देता रहा मुसलसल ये देखें वन टू थ्री और फिर इसने नाइन पॉइंट फाइव का हाई लगाया अब ये मुसलसल कहाँ पे ट्रेड देता रहा यानी कि तकरीबन दो दिन पहले एट डॉलर टू एट पॉइंट फिफ्टी आफ्टर दैट इसकी मार्केट गिर गई आपने सिर्फ ये डाउन पॉइंट्स देखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ पर पिछले दो दिन के दस पॉइंट ऐसे थे जब इसने आठ डॉलर से आठ पच्चीस से आठ तीस डॉलर का ए, सेंट का हाई लगाया उसके बाद अचानक से एट पॉइंट फिफ्टी एक दो तीन बार लगाया और अब मार्केट इसकी क्योंकि सरमायाकारी रुक गई है तो इसके प्राइस में कमी हुई है अब डेफ़िनेटली आप में से कई दोस्तों को मैंने जब फैन टोकन यानी कि फ़ुटबॉल से रिलेटेड टोकन जो थे मैंने आपको रिकमेंड किए आपको उसके तमाम जो मालूम थी अहम जो मुझे लगता था कि आप तक पहुंचनी चाहिए वो मैंने आपसे शेयर की तो गाय आपने एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने आपको ये कहा था कि इस वर्ल्ड कप के दरमियान आपको जहाँ प्रॉफिट मिले आप एग्ज़िट कर जाएं ओके और फिर दोबारा जैसे ही वो टोकन अपनी पुरानी प्राइस पर आए तो आप उसे दोबारा बाय कर सकते हैं तो गाइज़ आपके सामने ये एक लाइव तमाशा हो रहा है ये देखें आप ये लेवल्स कौन कौन से हैं आप अभी यहाँ पे अपर साइड ना देखें डाउन साइड देखें कितने ही ये लेवल हैं तकरीबन अट्ठाईस के करीब लेवल हैं और ये पूरे पिछले सात दिन की परफॉर्मेंस है तो गाद आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये सात दिन के अंदर इसने क्या ज़बरदस्त ट्रेड दी लाजियो ने एग्जैक्टली इसी तरह सेंटोस टोकन भी पर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम इस टोकन से तब एग्जिट करेंगे जब हमारा ये आठ डॉलर का ख़रीदा हुआ टोकन 108 का हो जाएगा तो हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे देखें यहाँ पर आपको थोड़ा सा मच्योर बिहेवियर शो करना होगा हर सूरत आपकी नज़र मार्केट पे होनी चाहिए मार्केट में हालात इतने ज़बरदस्त ख़राब हो चुके हैं दोस्तों के बेहतर ये होगा कि जिधर आपको ट्रेड मिले आप उस ट्रेड को गेन करें और टोकन बहुत जल्दी अपनी पुरानी कीमत पे आ जाते हैं ठीक है आप फिर उसे लो पर बाय कर लें सो गाय सी एच जेड के बाद मैं आपको मैंने अभी लाजियो की अपडेट दी अब मैं आपसे शेयर करूँगा एल्गो के बारे में जो इस वक्त बायनास की हिट लिस्ट में भी आ चुका है यानी कि गेनिंग की लिस्ट में उससे पहले हम कुछ यहाँ पर कॉइन डिस्कस कर लेते हैं गाइज़ इस स्टक तरीन मार्केट में ए पी ई कोइन ने किसी हद तक अपनी पोजिशन रिकवर की है ना सिर्फ ये कि 2.92 यानी कि 2.92 से निक, खाली निकला है बल्कि तीन डॉलर के लेवल को भी क्रॉस करके थ्री पॉइंट पौ, एटीन पर आ चुका है और इसके साथ ट्रस्ट वॉलेट की अगर बात करें गाइज तो इसके प्राइस में चार सेंट की कमी हुई है और चार सेंट का इजाफा यही सिलसिला सारा दिन चलता रहा डबल ए वी ई जो है वो दोस्तों इसने एक डॉलर की ट्रेड जनरेट दी हमें उसके बाद से अब ये फ़िलहाल अपनी किसी भी पोजीशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा और पेनकैक स्वैप दोस्तों जो मार्केट का एक बहुत ही शानदार टोकन है इसमें इसकी सूरत हाल भी कोई ख़ास बेटर नहीं हो पा रही सो गाय अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर एल्गो की परफॉर्मेंस गाइस ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर फुटबॉल फीवर के साथ ठीक है आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन दो दिन पहले ये आपको पच्चीस सेंट पे दिखाई दे रहा था पच्चीस या मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव पॉइंट पे ट्वेंटी फाइव ठीक है यानी कि इसमें इशारिया जो है वो स्टार्ट में आएगा पॉइंट ट्वेंटी मैक्सिमम गाइज़ आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि इसके प्राइस में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है ठीक है और मार्केट में सरमाया अब कहाँ पर आ रहा है इस चीज़ को हमने आपके लिए ढूंढ के निकाला है इसी वजह से मैंने आप दोस्तों से वो वीडियो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही शेयर कर दी कि आपको पता चले कि फ़ुटबॉल से रिलेटेड टोकन किस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं सो गाइज़ सी एच डेड लाजियो की तरह एग्जैक्टली exactly एल्गो यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है ये देखिए ट्वेंटी एट फोर्टी नाइन थर्टी वन गाइज ये अगर आप हंड्रेड डॉलर की बाइंग करते हैं या फिफ्टी फिफ्टी के टू पार्ट्स बना लेते हैं तो ये जो भी हो आपको फुटबॉल रिलेटेड ये तीसरा टोकन है जो प्रॉफिट दे रहा है इसके बाद है दोस्तों सेंट जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर आप सेंट को इग्नोर नहीं करेंगे गाइज यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद एक्स ई सी थर्टी सेंट में एंटर हुआ है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर चुका था अनएक्सपेक्टेडली लेकिन इसने यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी का सिलसिला शुरू किया है और एक लंबे गैप के बाद मतलब कि नौ दिन के अरसे के बाद इसने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सूरत हाल चेंज की है यानी कि ये बढ़ने का सफ़र स्टार्ट कर रहा है फोर ज़ीरो थर्टी के बाद फर्दर डिटेल में दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डैश के अंदर पाँच डॉलर की बड़ी कमी वाह क्या हो गई है और एयरवीम दस इशारिया चालीस पर आ चुका है आप में से कई दोस्तों के पास इसकी दस डॉलर की बाइंग मौजूद होगी तो यहाँ पर आप चाहें तो आप ए आर वी से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रही इसके साथ गाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी एम एक्स दोबारा से पंप होना शुरू हुआ है उसने आज फोर्टी थ्री पॉइंट सेवेंटी का हाई लगाया जबकि ये स्टक था थर्टी नाइन डॉलर तकरीबन एक दिन पहले सो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने टोकन आपसे शेयर किए हैं उनमें अब बढ़ते हैं जल्दी से सेंटोस की तरफ क्योंकि एक ही टोकन बाकी रह गया है ये कैसे मूव कर रहा है वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सो गाइज़ ये चौथा टोकन मैंने अब आपसे मार्केट से रिलेटेड शेयर किया है नाइन पॉइंट सिक्सटी से टेन पॉइंट एटी सेवन का हाई लगाया है अब ये देखें गायज़ ये मौजूदा मार्केट के मुताबिक एक इशारिया सत्ताइस सेंट की ट्रेड है मतलब एक डॉलर और सत्ताईस सेंट की ट्रेड अब यहाँ पर आपको मैंने वीडियो का थंबनेल भी इसलिए यही प्रोवाइड किया कि मार्केट के अंदर अगर कहीं पे कोई मोमेंट मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ फैन टोकन के अंदर अदरवाइज जो हमारे रूटीन के टोकन हैं जैसे कि हम आपसे डिस्कस करते होते हैं वहाँ पर उनमें किसी किस्म में भी कोई ट्रेड देखने को नहीं मिल रही अगर गायज़ आप इस स्टक मार्केट में कुछ थोड़ी सी भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लाजियो को और यहाँ पर सी एच डेड को यूटिलाइज करना मत भूलिएगा और अगर यहाँ पर मार्केट क्रैश कर जाती है तो ये वो टोकन होंगे दोस्तों जो वर्ल्ड कप के दौरानिए में अपने पुराने हाई में से आधे हाई को भी लगा दें मतलब सभी टोकन पचास पचास पचपन पचपन डॉलर के हैं इन्होंने पच्चीस पच्चीस का भी अगर लेट्स सपोज हाई लगा दिया तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है लेकिन सभी टोकन नहीं यहाँ पर सेंटोस एफसी लाजियो और सी एच दैट मुझे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते दिखाई दे रहे हैं सो so गाइज अब यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये कि आप फेय डेस्क एक्सचेंज पर क्योंकि बहुत से दोस्तों की हमसे यहाँ पर डिमांड थी कि हमें रेफरल के थ्रू जो है कुछ अर्निंग बताएं क्योंकि मार्केट बहुत टम्प है तो गाइज आप चाहें तो आप फेय डेस्क एक्सचेंज पर रेफरल के थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं तो बढ़ते हैं फेय डेस्क एक्सचेंज की तरफ सो so गाइज अगर आप इस डम्प मार्केट में अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगी कि आप फेडेस एक्सचेंज पर जा करके अपना अकाउंट बनाएं और अपना रेफरल जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपके दोस्त आपके साथ मिलकर ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी पैसे इनकम इस डम्प मार्केट में अर्न करने को मिल सकती है उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों आपने मोर पे क्लिक करना है ठीक है मोर पे आते ही इनके जितने भी प्रोग्राम हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे आपने सिर्फ फ़िलहाल रेफ़रल प्रोग्राम पे क्लिक करना है गाइस एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब आप इस रेफ़रल प्रोग्राम में एंटर होने लगेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद के वाई करनी है ठीक है वो हो गई उसके बाद आप चाहे अपने अकाउंट में एक डॉलर भी मत डालें ठीक है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके रेफरल आईडी को अपने अपने दोस्तों से शेयर करके एक चेन बनाते हैं अपनी तो आपका रेफरल आईडी डी यू जनरेट हो जाएगा ठीक है आप इसे देख सकते हैं और उसके बाद आप फेय एक्सचेंज का लिंक भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं लिहाजा आपने अपना ये वाला रेफरल आईडी शेयर करना है का फेय डैक्स एक्सचेंज सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर रेफरल कमीशन देती है ये देखें थर्टी फाइव परसेंट और उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल रेफरल जितने भी दोस्तों ने यहाँ पर अभी तक किए हैं उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी दुनिया यहाँ से अर्न कर रही है तो आप भी यहाँ पर रेफरल में शामिल होकर अपनी कमीशन अर्न कर सकते हैं यानी कि आप जिस तरह मर्जी की ट्रेड करें खुद भी करें अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त क्रिप्टो यूज़ करते हैं तो वो आपका अगर रेफ़रल यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं सो गाय इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पोर्ट ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेडिंग करें वो किसी भी किस्म की ट्रेड करेंगे तो आपको ये रेफरल प्रोग्राम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है आई होप दोस्तों कि आप अपना रेफरल आई डी यहाँ से जनरेट करके अपने फ्रेंड सर्कल में अगर शेयर करते हैं तो एक अच्छी अर्निंग हो सकेगी सो गाइस आने वाले दिनों में मैं आपसे यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का भी एक जो नया सिस्टम यहाँ पर शुरू हो रहा है वो शेयर करूँगा तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ सो so गाइज़ यहाँ पर बी की पोजीशन में जीरो परसेंट का फ़र्क आया है जस्ट पचास डॉलर का प्लस और पचास डॉलर का लो आपको यहाँ पर कैंडल्स में किसी किस्म की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी और एग्जैक्टली exactly यही सूरत हाल बिहाइंड द स्क्रीन भी होगी सो so गाइज़ यहाँ पर हम बी की जो सूरत हाल देख रहे हैं आप उसकी पिछले चार घंटे की एक अगर ईच कैंडल की भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप एक मरतबा चकरा जाएंगे कि BTC ने यहाँ पर क्या डंप लगा रखा है गाइस मार्केट यहाँ पर एक सेकंड में चेंज हो सकती है एक सेकंड भी नहीं लगेगा कोई भी कैंडल यहाँ से या तो बहुत बड़ा पंप लगा देगी या डंप रीज़न ये है कि मार्केट में सरमाकारी का कोई यहाँ पर रुझान देखने को नहीं मिल रहा अब हम ये पिछली सिर्फ चार कैंडल देखेंगे ईच कैंडल फोर और की है दोस्तों ठीक है और हर कैंडल में किसी किस्म की कोई जान नहीं है कोई स्ट्रेंथ नहीं है तो आप क्या करेंगे जो लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे अच्छा यहाँ पर कई दोस्त होंगे जिनको ये बात नहीं मालूम होगी कि उस्मान भाई ने कौन से लेवल फॉलो किए हैं क्योंकि हो सकता है वो अभी वीडियो देख रहे हो सो इस क्रैश के लिए जो बी की पोजिशन है वो है सिक्सटीन डॉलर यहाँ पर इसकी मार्केट सपोर्ट नहीं बनाती तो ये पंद्रह हज़ार पाँच सौ का क्रैश दिखाएगी ये दो लेवल आज मैं सेवन्थ टाइम आपसे शेयर कर रहा हूँ अच्छा एक बात याद रखिएगा कई दोस्तों का ये मानना है कि उस्मान भाई आपकी प्रोडिक्शन जो है वो यहाँ पर स्टक है कोई बन नहीं पा रही सूरत तो दोस्तों एक बात का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या आपने देखा कि क्या मार्केट इतनी बुरी स्टक है कि ना सरमाकारी दो बिलियन से ज़्यादा हो पा रही है और ना ही दो बिलियन से ज़्यादा कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब पहाड़ फटेगा तो इसमें से या तो चूहा निकलेगा या लावा निकलेगा सो गाइज यहाँ पर पंप के जो असरात हैं वो ऑबियसली 16,900 रेजिस्टेंस विद 90 मिनट के साथ होगी तो आप बढ़ते हैं थीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ गाइज ये थीरियम यहाँ पर हैरान कन तौर पे चार या पाँच डॉलर के अंदर मूवमेंट करता रहा मतलब ये एक ये कह सकते हैं आप और मान भी सकते हैं इस बात को कि ये हद हो गई ठीक है इथीरियम की जानब से कि पाँच डॉलर जस्ट फाइव डॉलर सो इससे रिलेटेड इसके जितने भी नेटिव टोकन हैं वो तो हिल ही नहीं रहे बल्कि उनकी पोजीशन माइनस कर रही है इस मार्केट में दोस्तों ज़्यादा देर तक हम कभी भी ये बिलीव नहीं कर सकते कि ये सूरत ज़्यादा देर तक रहने वाली है क्यों मैं वो आपको वजह बहुत बड़ी वजह बताने लगाऊँ का सबसे बड़ी वजह ये है कि फ्यूचर ट्रेडर की ट्रेड रुक गई है अब आपको शायद नहीं मालूम मैं आपको बता देता हूं कि क्रिप्टो की दुनिया में तो जितनी भी रौनकें हैं स्पोट ट्रेडर से अगर रौनक है तो वह है चालीस परसेंट और सिक्सटी परसेंट से फ्यूचर ट्रेडर ने दुनिया में रौनक लगा कर रखी है तो इस वक्त फ्यूचर ट्रेड भी रुक गई है हर तरह की ट्रेड रुक गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल्स हैं ये ज़्यादा देर तक अब रुकने वाले नहीं हैं अब कुछ भी हो जाएगा मार्केट में ठीक है एनीथिंग पॉसिबल और जाहिर बात है जो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मार्केट में लगा कर बैठे हैं वो मार्केट को ज़्यादा देर तक इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे वेल्स की एंट्री करवा के या तो पंप करवा देंगे या इसको मजीद गिरा दिया जाएगा कायज़ आप देख सकते हैं पिछली कैंडल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ग्यारह कैंडल चार घंटे की अलेवन मल्टीप्लाई फोर यानी कि फोर्टी फोर आवर्स चवालीस घंटे गुजर चुके हैं कोई मार्केट की मोमेंट नहीं बन पा रही ये देखें कोई आखिरी इस लेवल पर हमने क्या देखा था ये जो लास्ट आप क्रैश देख रहे हैं अलेवन एटी सिक्स का लो इस मार्केट में तो ये ट्वेल्व से नीचे भी नहीं गया सो गाइज इसका ओवर स्टे यहाँ पर जितना बढ़ता चला जा रहा है क्रैश के चांसेस तो उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं लेवल्स में आपको दोस्तों थीरियम को लेकर के बता चुका हूं उसी को आपने फॉलो करना है और पंप करने के लिए इसका मैक्सिमम लेवल क्या होगा इस मार्केट में ये 1224 से ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों तो अगर पंप होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये बारह पे जाके अपनी नाइन्टी मिनट की रिजिस्टेंस बताए और रही बात नेटिव टोकन की गाइस देर इज़ नो नेटिव टोकन विद ए जो आपको यहाँ पे पैसे में इनकम गेन करके दे सके लिहाजा आप इसमें अगर कोई ट्रेड करेंगे तो सिर्फ एथीरियम पे वो भी लो पर जाके सो गाय सुबह तक अल्लाह हाफिज